जय श्री राम। दोस्तों, बहुत समय पहले एक साधु महाराज थे। वह अपना गुजारा भिक्षा मांग के चलाते थे। जिस गांव में वह साधु महाराज रहते थे, उसी गांव में एक बनिया के किराने की दुकान थी। एक दिन बनिया कुछ काम से कहीं जा रहा था, इसीलिए उस दिन उसने दुकान पर अपने बेटे को बैठाया था, ये कहकर कि किसी से पैसे लिए बगैर कुछ मत देना। थोड़ा समय बीतता है, तब तक साधु महाराज, जिनका स्वभाव था लोगों से थोड़ा थोड़ा खाने की सामग्री लेकर अपना गुजारा करने की, वह उस बनिया की दुकान पर आकर एक चम्मच नमक मांगते हैं और बनिया का लड़का उन्हें एक चम्मच नमक दे देता है। और मांगने की ही क्रम में साधु महाराज आगे बढ़ जाते हैं। शाम होती है, तब तक बनिया आ जाता है और अपने लड़के से पूछता है, किसी को कोई सामान बिना पैसे के तो नहीं न दिए? तब बनिए का लड़का ना में सर हिला देता है और फिर कहता है, बस एक आदमी को दिया हूँ। बनिया पूछता है, किसे दिए हो और क्या? तब बनिया का लड़का कहता है, इस डब्बे में से एक चम्मच नमक दिया हूँ उसी साधु महात्मा को जो प्रत्येक दिन भिक्षा मांगने आते हैं। बनिया का दिमाग एकदम से सुन्न हो जाता है, मानो जैसे उसको किसी सांप ने सूंघ लिया हो। और वह अपने लड़के को डांटते हुए कहता है कि अरे मूर्ख लड़का, वह नमक नहीं जहर है, जहर। और फिर स्वयं ही भागा भागा उस साधु महाराज के पास जाता है और दूर से ही चिल्लाता है, रुक जाइए रुक जाइए। पर साधु महात्मा तक उसकी बात नहीं पहुंचती है। वह और तेजी से भागा भागा साधु महाराज के पास जाता है और देखता है कि साधु महाराज अब भोजन करने ही जा रहे हैं। यह देखकर बनिया राहत की सांस लेता है और साधु महाराज को सारी बात बताता है और कहता है कि आप यह भोजन फेंक दीजिए। तब साधु महाराज कहते हैं कि अगर यह सिर्फ भोजन होता तो बेझिझक मैं इसे फेंक देता, परंतु अब यह ठाकुर जी का प्रसाद है, क्योंकि यह भोजन बनाकर मैं ठाकुर जी को भोग लगा चुका हूँ और अब बिना प्रसाद ग्रहण किए मैं नहीं उठने वाला। साधु महात्मा की बात सुनकर बनिया का वापिस से सांस फूलने लगा और इतना बात कहकर साधु महाराज वह भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लगते हैं। और ये सब देख सुनकर बनिया अपना माथा पीटने लगता है कि अब क्या होगा, बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इसी सोच में बनिया सारी रात वहीं पर रुकने का फैसला करता है कि अगर रात में कहीं साधु महाराज की तबीयत बिगड़ती है तो कम से कम वैद्य को तो बुला के दिखा दूंगा। पर पता नहीं कब बनिया की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखता है साधु महाराज नदी में स्नान कर रहे हैं। यह सब देखकर वह साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं ना? तब साधु महाराज कहते हैं, जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हो उसे भला क्या होने वाला। बनिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जहर खाने के बावजूद भी साधु महाराज जीवित कैसे हैं। यह चमत्कार देखकर बनिया मंदिर की तरफ दौड़ते हुए जाता है ताकि वह ठाकुर जी का शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि उनकी ही कृपा से साधु महाराज जीवित हैं। पर जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोलता है, बनिया हक्का बक्का रह जाता है। वह देखता है कि ठाकुर जी की मूर्ति
दो भागों में टूटकर जमीन पर बिखर गया है एवं ठाकुर जी की मूर्ति नीली पड़ चुकी है। बनिया तुरंत समझ गया कि ठाकुर जी ने खुद विष का भोग लगा लिया अपने भक्त को बचाने के लिए। और यह चमत्कार देखकर बनिया अपनी दुकानदारी अपने पुत्र को सौंपकर खुद ठाकुर जी की सेवा में निकल गया। दोस्तों, अगर हम खुद को भगवान पे सौंप देते हैं पूरी तरह से, तो यकीन मानिए हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। पर आज की विडंबना यही है कि हम खुद की दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से परेशान हैं। अगर आज हम खुद की सोचें दुनिया की नहीं, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अगर भगवान पे खुद को सौंप दे, तो जो बुरा होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक कहानी सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए QR कोड पर अपनी सहयोग राशि हमें ज़रूर भेजें। भगवान आपका भला करें, आपका एवं आपके परिवार का मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय महाकाल।